नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। तो सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर्व, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। एक सर्वाधिक रुचि का सब्जेक्ट है, विषय है, वो है शनि का हर ढाई वर्ष के उपरांत अपनी राशि बदलना, क्योंकि यह राशि परिवर्तन प्रकृति, दुनिया, मानवता, हर मनुष्य के जीवन को बहुत बड़े परिवर्तन लाता है, दिशा और दशा दोनों में ही। आज मैं आपके साथ सूर्य का जो मकर से कुंभ में प्रवेश होने जा रहा है 29 अप्रैल 2022 को तथा जो 30 मार्च 2025 तक चलेगा उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस भ्रमण के दौरान बीच में 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के मध्य शनि मकर होंगे, बकरियों के मकर में आएंगे, तो मिला जुला प्रभाव मकर और कुंभ का देगा, क्योंकि दोनों के स्वामी अपने आप हैं। मकर राशि की तुलना में कुंभ में शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो ज़्यादा प्रबल मानी जाती है। शनि को साधारणतया एक नेगेटिव ग्रह माना जाता है, परंतु काल पुरुष में दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, तो ये मकर के स्वामी होने से कर्म करा के कुंभ में जब शनि जाते हैं मकर से कुंभ में तो लाभ दिया करते हैं। तो ये जो कुंभ का जो भ्रमण है शनि का, ये हर मनुष्य के लिए कहीं ना कहीं लाभ देगा, कहीं परिश्रम से, कहीं उपाय करने से, कहीं नीलम डाल के, कहीं वैसे ही बहुत दे देगा, परंतु इस ये अत्यधिक महत्वपूर्ण सभी के लिए होगा, एक्सट्रीम लाभ दे सकता है शनि इसमें। शनि जो है ये भगवान शंकर के 11 गणों में से एक है, धरती पर धर्मराज का दूत है, एक प्रकार से यमदूत का ही रूप है। ज्योतिष में सूर्य का पुत्र माना जाता है, परंतु उससे अत्यधिक शत्रुता रखता है। सूर्य दिन का, आत्मा का, प्रबलता का, नेत्र का स्वामी है। शनि अंधत्व का स्वामी है, हड्डियों को कमजोर कर सकता है, कैल्शियम की बॉडी में विटामिन डी कैल्शियम से जुड़ा है। शमशान का स्वामी है, बुढ़ापे का स्वामी है, निर्धनता का स्वामी है, एक्सट्रीम निर्धनता, थकाने वाला, काले रंग का, रात्रि का स्वामी है, अनाथ आश्रम का स्वामी है। शनि बहुत पेनफुल हो सकता है, विशेषकर बुढ़ापे में, परंतु कुंभ का शनि सभी के लिए थोड़ा लाभकारी हो सकता है। अब मैं सब लग्नों के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, शनि का मेष से मीन सभी लग्नों के ऊपर जो क्या भ्रमण होगा, क्या प्रभाव आपको मिलेंगे। मैं मकर लग्न के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ कि यदि आपका मकर लग्न है तो कुंभ का शनि क्या करने जा रहा है। मकर लग्न के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा जिसमें बीच के खाने में 10 मकर या कैप्रिकॉर्न लिखा है तो आपकी बात हुई, अन्यथा आपका नाम का अक्षर भो जा जी खी खू खे खो खा गागी है तो भी आपकी बात हो रही है। मकर लग्न में शनि लग्न और द्वितीय भाव दोनों का स्वामी है। पिछले जनवरी 2023 से 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर में भ्रमण कर रहा था, अब मकर लग्न के द्वितीय भाव में जा रहा धर्म स्थान में। मकर लग्न का स्वामी शनि में लग्न की तुलना में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अधिक शुभ रहेगा, अत्यधिक शुभ रहेगा, स्वास्थ्य हो, धन, परिवार, व्यापार, विवाह, साझेदारी, कोई भी कार्य क्षेत्र हो अथवा पिता का स्वास्थ्य तथा लाभ हेतु सभी में उत्तम प्रभाव देने जा रहा है। 30 मार्च 2025 तक जब भी शनि, मंगल, बुध और शुक्र के जो क्षेत्र हैं उनमें तीव्र विकास के योग हैं। शनि के क्षेत्र में पूरा निर्माण, लोहा, सीमेंट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, सड़कें बनाना, पुल बनाना, बिल्डिंगें बनाना, लोहे का व्यापार करना, हार्डवेयर का व्यापार करना, सीमेंट का व्यापार करना, रोड़ी का व्यापार करना, और तुला लग्न में जैसे बुद्धि का विकास करने वाला तो बौद्धिक क्षमताएं भी इसमें बढ़ती हैं। मीडिया से जुड़ा हुआ, एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ, बॉलीवुड हो, टीवी सीरियल्स हो, और साथ में ही आप किसी चैनल के मालिक हों या अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हों, फैशन डिज़ाइनिंग हो, दूध के प्रोडक्ट्स हों, चॉकलेट्स हों, कोल्ड ड्रिंक्स हों, फूलों का व्यापार हो, चांदी का हो, हीरे का हो, अल्मोनियम का हो, शीशे का हो, कागज़ का, कपड़े का, कंप्यूटर्स का, आर्किटेक्चरल का, इंटीरियर्स का, मैथमेटिक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जो बुद्ध के अंतर्गत आती है, मैथमेटिक्स के आप प्रोफेसर हों,
सभी में तीव्र विकास के योग बन रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 से निवास स्थान परिवर्तन होगा जो शुभ होगा आपके लिए। विदेश जाने, घर संपत्ति, पैतृक संपत्ति को बेचने से बड़ी धन प्राप्ति के योग भी योग बन रहे हैं। कर्जों को समाप्त करने हेतु यदि कुछ समय से कर्जे आपके चल रहे हैं तो इनको समाप्त करने हेतु योग बन रहा है 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023 तथा वो कंटिन्यू कर रहा है 30 अप्रैल 2024 तक वो कंटिन्यू कर रहा है। इसके अतिरिक्त बैंक्स, इनकम टैक्स और GST जैसी अथॉरिटीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सभी से जब शनि मंगल का कुछ युति बनेगी, जब मंगल भ्रमण कर रहे होंगे मेष और सिंह के समय में, उस समय में आपको लाभ के संकेत मिल रहे हैं, या सूर्य जब मेष और सिंह में भ्रमण कर रहे होंगे उस समय आपको लाभ के संकेत मिल रहे हैं। परंतु सावधानी भी रखनी होगी, शनि मंगल का जो समय है, सूर्य जब मंगल जो है शनि मंगल का जो भ्रमण या शनि सूर्य का भ्रमण मेष और सिंह में होगा तथा गुरु चंडाल के समय या ग्रहणों के समय का जो योग है उसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है, आपको सावधानी रखनी होगी। तो मंगल कब कब शनि के साथ में संबंध बनाएंगे, मेष राशि में यानी चतुर्थ भाव में बनाएंगे 12 जून 2022 से 10 अगस्त 2022, 20 मई 2024 से 28 जून 2024। इसमें घर संपत्ति बेचने के योग बनेंगे, परंतु शनि की दृष्टि से अत्यधिक ऊर्जावान समय होगा। सिंह में जाएंगे 18 जून 2023 से 18 अगस्त 2023, इसमें भी संपत्ति को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके निर्णय हो सकते हैं, बेची जा सकती है। वृश्चिक, मंगल एकादश भाव में जाएंगे, अत्यधिक लाभकारी स्थिति है 1 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023। कुंभ में शनि के साथ होंगे 2 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024। तो ये जो तारीखें हैं जिनमें ये मैं आपको बता रहा हूँ, विशेष करके शनि का, शनि मंगल का जो भ्रमण है, विशेष करके मेष में और सिंह में, मेष में और सिंह में, जो सिंह का है 18 जून 2023 से 10 अगस्त 2023 और मेष में 12 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 तथा 20 मई 2024 से 28 जून 2024, इसमें लाभ हो सकता है आपको, परंतु सावधानी भी रखनी होगी। शनि सूर्य मेष और सिंह में कब होंगे, मेष में सूर्य होंगे 15 अप्रैल से 15 मई 2023 और 24, सिंह में होंगे 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 और 24। तो शनि सूर्य का भ्रमण इस समय होगा। ग्रहण जो पड़ेंगे वो पड़ रहे हैं 30 अप्रैल तथा 25 अक्टूबर 2022, 20 अप्रैल 2023 तथा 24 अक्टूबर 2023। तो ये जो ग्रहण के समय, विशेषकर जो 2023 के ग्रहण हैं 20 अप्रैल और 24 अक्टूबर को, इस समय गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। तो ये जो तारीखें हैं सूर्य मंगल शनि इत्यादि की, तो ऊर्जा को नियंत्रण में रखना होगा, मन को नियंत्रण में रखना होगा। और गुरु चंडाल योग का समय 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023 में कोई भी दूरगामी महत्व का, संपत्ति का, कर्जे का, खरीद फरोख्त का, शेयर मार्केट का निर्णय ना लें। ग्रहण भी इस समय पड़ रहे होंगे, इन समय आपको आगे जाके समस्या हो सकती है, अन्यथा 2 कुंभ के शनि में धन बहुत आएगा। ये जो तारीख है मैंने बोली, इनमें माता पिता के स्वास्थ्य हेतु कार्य क्षेत्र में थोड़े तनाव तथा कार्य जुड़े थोड़े तनाव होंगे, परंतु या अपना संयम रखेंगे, संयत व्यवहार होगा तो सोल्यूशन मिल जाएगा। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 में उधार देने, किसी की बैंक गारंटी देने, बेल देने और बैंक लोन, बेल देने, बैंक लोन इत्यादि के लिए उससे बचिएगा। इन्हीं तारीखों में अप्रैल 23 से अप्रैल 24 में शेयर मार्केट, सट्टे में निवेश करने जैसे सारे निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। यदि शेयर मार्केट बढ़ रही है, अपने शेयर बेचने वो तो कर ले, अन्यथा खरीदे ना। विशेषकर शनि मंगल जब मेष सिंह में चल रहे होंगे, दोबारा पढ़ देता हूँ, शनि मंगल मेष सिंह में कब चलेंगे, मेष में शनि चलेंगे 12 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 और 20 मई 2024 से 28 जून 2024 तथा 18 जून 2023 से 10 अगस्त 2023, ये मेष में होंगे और सिंह में होंगे। इसमें आपको सावधानी रखनी होगी।
जब शनि सूर्य मेघ सिंह में 15 अप्रैल से 15 मई और 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 और 24 में और ग्रहणों के समय इसमें आपको पूरी सावधानी रखनी होगी। ग्रह स्थिति अत्यंत उग्र होगी, ऊर्जावान होगी। जब शनि का पूरा इंटरेक्शन मेष वृश्चिक कुंभ में चलेगा अत्यधिक ऊर्जावान होगी मेष वृश्चिक में चलेगा। और शनि सूर्य जब सूर्य वृश्चिक में होंगे 2023 और 24 में, अतः शांत रहकर जो है आप कोई निर्णय लें, शांत रहकर इन ग्रहों का फायदा उठाएं। हाईली एनर्जेटिक स्टार है। तो शनि मंगल मेष वृश्चिक कुंभ में युतियाँ कम बन रही हैं, मेष में बन रही हैं, इनकी युति बन रही है 12 जून 2022 से 10 अगस्त 22, 20 मई 2024 से 28 अगस्त 2024, सिंह में 18 जून 2023 से 10 अगस्त 2023, कुंभ में 2 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024। इसी प्रकार जब सूर्य वृश्चिक में होंगे तो 2023 और 24 से 15 नवंबर से 15 दिसंबर। अतः शांत रहकर पूरा फायदा उठाएं, हाई एनर्जी को पॉजिटिविटी में यूज़ करें। डॉक्टर्स हों और इंजीनियर हों, फार्मा का क्षेत्र हो, आर्मी, पुलिस, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल का, टेक्नोलॉजी का, साइंटिस्ट हों, मीडिया हो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल का, लोहे का व्यापार हो, पेट्रोलियम का व्यापार हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, इनसे जुड़े लोग विशेष करके फ़ायदा उठाएं। मांगलिक प्रभाव जो है इस समय शनि का चलेगा, जब शनि मंगल जो है महेश्वर सिंह में होगा, तो मांगलिक जातकों के लिए कौन सा समय इम्पोर्टेंट है, वो है 12 जून 2022 से 10 अगस्त 2022, 20 मई 2024 से 28 जून 2024 और 18 जून 2023 से 18 अगस्त 2023। तो ये मांगलिक समय होंगे। तो जो मांगलिक लोग हैं या जो ऑलरेडी मैरिड हैं या जो प्रेम संबंधों में लेकिन मांगलिक हैं, तो विवाहित संबंधों में, प्रेम संबंधों में सौम्यता आवश्यक होगी। झगड़े, भ्रष्ट भाषा, भ्रष्ट खान पीन से बचें। कुंडली मिलान करके ही विवाह करें, आवश्यक होगा यदि आप मांगलिक हैं तो। व्यापारिक साझेदार के साथ, माता पिता तथा कार्य क्षेत्र में इसी समय संबंध शुभ रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। आपको एनर्जी होगी लेकिन आपसे जो सुपीरियर होंगे उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। अब आप उपाय क्या कर सकते हैं, जब शनि कुंभ में जा रहे होंगे मकर लग्न में, जमीन में सुरमा दबाना, और यदि आपका बर्थडे हो रहा है तो ढोल बजा इत्यादि, बाजे इत्यादि ना बजाना। हो सके तो बंदरों को रोटी देते रहना शनि मंगल के दिन। बट के वृक्ष के ऊपर जो है मीठा दूध डालें तथा दूध डालने के उपरांत उसकी जो मिट्टी है उसका माथे पे तिलक करना, झूठ नहीं बोलना और इंटेंशन अच्छी रखना, और घर के लेफ्ट साइड में बैक में बाएं तरफ जो है एक कोठरी बना के रखना। ये तो उपाय जो वेदों में कुछ दिए गए हैं। अब कुछ उपाय इस प्रकार हैं, नीलम, डायमंड और पन्ना, ये आप धारण कर सकते हैं। विशेष करके यदि आपको गुरु चंडाल चल रहा है तो बगलामुखी, काली और दुर्गा के पूजन आवश्यक है। बगलामुखी मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टा नाम वाचक मुखम पद्म सतंबे जीवाम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ये बगलामुखी का मंत्र जो है ये आप कर सकते हैं। ओम ऐं क्लीं चामुंडा विच्चे अत्यधिक लाभकारी रहेगा। गुरु के मंत्र जैसे ओम गुरा ग्री ग्रौसा गुरुए नमः या गुरु गायत्री मंत्र अत्यधिक लाभकारी रहेगा। ओम अंगिरा साहेब विधिमये वाचस्पति धीमहि तन्नो गुरुए प्रचोदयात। और दान इन्हीं के क्या है, इनके दान, वो दान है काली उड़द, देसी घी, चने की दाल, गेहूँ, 11 नारियल और कंबल, इनका दान करें, लाभकारी रहेगा। नशे, शराब, सट्टे, क्रिकेट का शेयर, हवाला, इलीगल जो अंतर्राष्ट्रीय या जो भी धन के जुड़े व्यापार, इनसे बचें, ज़्यादा शुभ रहेगा। ज़्यादा धन सीधे तरीके से ही आ जाएगा इसलिए इलीगल रास्ता ना चुनें। शनि सूर्य शनि मंगल के जो समय हैं उनमें जो मैंने तारीखें बोली हैं, जब भी शनि जैसे 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अप्रैल से 15 मई और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में, और जब भी शनि मंगल की युतियाँ बनेगी कहीं पे भी, और गुरु चंडाल का समय जैसे 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023,
इसमें अपने मेडिकल चेकअप करवा लें, स्टार्टिंग में ही इस पीरियड के स्टार्ट हो रही, आप मेडिकल अपना चेकअप कराएं, आपके लिए लाभकारी होगा। ये कुछ ऐसा नहीं बीमारी मिली है, पर सावधानी तो कराना अच्छा रहेगा। सूर्य नमस्कार योग करना, आदित्य हृदय स्तोत्रम करना तथा पितृ शांति, जब गुरु चंडा चल रहा होगा तो आवश्यक होगा, उस समय श्राद्ध भी पड़ेंगे आवश्यक होगा। आने वाले भविष्य हेतु यह अत्यधिक शुभ रहेगा। और यदि ये सारे उपाय आप करते हैं तो 2027 के अंत तक आपके लिए ये समय बहुत अधिक उत्तम रहेगा। अब मेन जो इसमें ये है कि सिर्फ गुरु चंडाल का समय और सूर्य जब मेष सिंह और वृश्चिक में, मेष में और सिंह में हो, और शनि जब मेष और सिंह में हो, सावधानी रखनी होगी, अन्यथा बहुत लाभकारी समय। धन्यवाद, नमस्कार।